डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए क्लास टेंथ का पेपर सॉल्यूशन लेके आए हैं। जैसे आप लोगों को भी पता होगा, स्टूडेंट स्कूल में आप लोगों को पेपर दिए जा रहे हैं और उसे आपको सॉल्व करना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि जब आप लोगों का एजुकेशन हो नहीं रहा है तो आप उसको पेपर कैसे सॉल्यूशन करोगे। तो इसके लिए आज हम लोगों ने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया है जिसके अंदर आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा। लेकिन पेपर सॉल्व कराने का मीनिंग ये नहीं है कि आप उसे नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से पहले वीडियो देखना है, अंडरस्टैंड करना है और जो सम्स आपको समझ में नहीं आ रहे हो वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना है। स्टडी मतलब सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है, इफ GCF ब्रैकेट पे लिखा हुआ 25 एंड 15 इज इक्वल टू 4x प्लस 1, देन x की वैल्यू आपको क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, GCF फाइंड करना पड़ेगा 25 एंड 15 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे 25। तो बच्चों आपको पता है 25 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा आपका, ठीक है, 5 एंड 5, ये आप लोगों का हो जाएगा 25 का फैक्टर्स। देन उसके बाद हम करेंगे बच्चों 15 का फैक्टर। तो देखिए 15 आपको पता होगा बच्चों, 15 किसके टेबल में आता है, तो बच्चों 5 के टेबल में। एंड हाउ मेनी टाइम्स, सो 3 टाइम्स। क्लियर, यहां पर मैंने 25 का कर दिया, यहां पर 15 का कर दिया। तो अब हम फाइंड करेंगे GCF। चलिए, तो GCF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है आपको पता होगा, GCF 25 एंड 15 का GCF हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें पहले तो सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है बच्चों। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 25 का 5 मल्टीप्लाई 5, देन 15 का क्या है बच्चों आपका 5 × 3 मीन्स 5 × 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आप लोगों का बच्चों, 5। तो इसका GCF जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने राइट किया है GCF 25 एंड 15 का आपका क्या आ जाएगा, 5। यहाँ तक समझ में आया आपको। अभी मैंने फाइंड क्या किया बच्चों, GCF फाइंड करना है। चलिए अब क्वेश्चन रिगार्डिंग आप लोगों को जो लिखा हुआ है, देखिए GCF 25 एंड 15 का, तो उसकी जगह हमें वैल्यू क्या रखनी है बच्चों, 5। पहले ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, लिखेंगे आप लोग GCF 25, 15 इज इक्वल टू मैं आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस 1। क्लियर, अब यहाँ देखिए GCF 25 एंड 15 का कितना दिया है, 5। तो इसकी जगह पे हम रख देंगे 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 1। क्लियर, अब आपको पता है यहाँ पे जो 1 है प्लस का है, इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स किसका हो जाएगा, ये माइनस का इज इक्वल टू 4x। सो 4x इज इक्वल टू 5 में से 1 गया बच्चों, 4 हो गया। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 4/4। और आप लोगों को भी पता होगा बच्चों 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में। सो आप लोगों की x की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी आपके, 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि c आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर राइट हो गया है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एलसीएम ऑफ द गिवन 2 नंबर्स इज डबल द ग्रेटर नंबर। यहाँ पे देखिए आपको एलसीएम जो है 2 नंबर्स का आपको डबल दिया है, जो कि आपका क्या है बच्चों, ग्रेटर नंबर है। एंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर नंबर और स्मॉलर नंबर का जो डिफरेंस है वो आपको उसका GCF 4 दिया गया है। तो हमें बताना है कि वो स्मॉलर नंबर कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 डिजिट दी गई है, एक तो आपको दी है बच्चों ग्रेटर नंबर और एक आपको दी स्मॉलर नंबर। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, सपोज करना पड़ेगा। हम राइट करेंगे सपोज द ग्रेटर नंबर ए। आपने ग्रेटर नंबर को क्या सपोज कर लिया है बच्चों, ए सपोज कर लिया है। एंड स्मॉलर नंबर को हम क्या सपोज करेंगे, नाउ स्मॉलर नंबर बी। स्मॉलर नंबर जो है आप लोगों का वो क्या सपोज हो गया है, बी हो गया है। अब यहाँ पे देखने आए कि एलसीएम जो है वो कौन सा है, ग्रेटर नंबर का है। देखिए एलसीएम किसका है, ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर हमने किसको सपोज किया है, ए को, ठीक है। वो कैसा है बच्चों, डबल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ द गिवन
नंबर इज डबल, ओके डबल ग्रेटर नंबर, डबल द ग्रेटर नंबर, नंबर जो है आपका ग्रेटर दिया है। चलिए तो क्या करेंगे, पहले लिखा एलसीएम ऑफ द, तो डबल जो दिया है ग्रेटर नंबर का दिया है, तो ग्रेटर नंबर को हमने सपोज क्या किया है, देखिए बी किया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एलसीएम ए कोमा बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम राइट कर देंगे पहले ए, ठीक है, ये ग्रेटर नंबर को आपने ए सपोज किया है, और ग्रेटर नंबर आप लोगों का क्या है, डबल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ए, ठीक है। तो इसका मीनिंग आपका क्या हो गया, ये डबल हो गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर नंबर, ठीक है, स्मॉलर नंबर का जो डिफरेंस है एंड उसका जीसीएफ आपको कितना दिया है, फोर दिया है। तो हम राइट करेंगे बच्चों द डिफरेंस, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर स्मॉलर नंबर का कितना दिया है एंड जी सी एफ आपको दिया है फोर, बच्चों क्लियर। चलिए तो डिफरेंस आपको किसका दिया है, स्मॉलर नंबर का, तो स्मॉलर नंबर आपको क्या है, बी है, तो लिखेंगे बी माइनस, माइनस क्यों लिखा है बच्चों, लिखा है आप डिफरेंस, डिफरेंस का मीनिंग होता है माइनस, तो बी माइनस लिखेंगे किसका, जी सी एफ का, तो जी सी एफ ए कोमा बी इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, फोर, क्लियर। तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, जी सी एफ आपका फाइंड हो जाएगा, तो जी सी एफ जो आप लोगों का यहाँ पे देखिए कितना दिया है, तो हम लिखेंगे जी सी एफ ए एंड बी का आपका आ जाएगा बी माइनस फोर, क्लियर हो गया। लिखा है जी सी एफ आपका ए बी का क्या हो जाएगा, बी माइनस फोर। अभी आप लोगों को स्टूडेंट्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, उस फॉर्मूले में आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है जी सी एफ ए कोमा बी इंटू एल सी एम ए कोमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये आप लोगों की क्या है बच्चों, वैल्यू दी गई होती है। तो यहाँ पे देखिए जी सी एफ ए बी आपको कितना दिया है, तो यहाँ पे देखिए जी सी एफ ए बी आपको दिया है बी माइनस फोर, तो यहाँ पे आप राइट करोगे बी माइनस फोर, क्लियर। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगाइए, एल सी एम ए बी का आपको कितना दिया है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ एल सी एम ए बी आपको दिया है टू ए, तो यहाँ पे आप राइट करोगे टू ए, क्लियर। उसके बाद आपको ए बी, ए बी आपको कितना दिया है बच्चों, तो ए बी आप देखोगे तो ए बी आपको दिया नहीं है, तो यहाँ पे आप राइट करोगे ए इंटू बी, क्लियर हो गया है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक है यहाँ सॉल्व कर देता हूँ बच्चों, चलिए लिखा हुआ है b माइनस फोर इंटू टू ए इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। तो देखिए लिखा होगा b माइनस फोर, अब ये जो 2 है 2a आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो नीचे जाएगा तो किस में चला जाएगा बच्चों, डिवाइड में, तो हम लिखेंगे a इंटू बी और अपॉन में आ जाएगा आपका 2a, क्लियर। अब देखिए a से a तो आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे जो 2 रहा इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, b से, तो 2 को अगर हम b से करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 2b, 2 को अगर हम 4 से करते हैं तो आपका आता है 8, और यहाँ पे आपका क्या बच्चा बच्चों b, क्लियर हुआ। अब देखिए तो 2b इज इक्वल टू, ये प्लस का है यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का है तो ट्रांसपोर्ट होकर वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2b में से b जाएगा आपका बच्चों, तो क्या बचेगा b इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि आप लोगों को यहाँ पे कौन सी नंबर पूछी गई है, स्मॉलर नंबर, एंड स्मॉलर नंबर को आपने क्या सपोज किया है, b, तो जिसकी वैल्यू क्या आ गई है आपकी 8। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपको 8 कहीं नजर आ रहा है, a नजर आ रहा है, तो ये आप लोगों का क्या हुआ बच्चों, आंसर हो गया है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आप लोगों की हेडिंग ट्रू और फॉल्स में दी गई है, मीन सही गलत के निशान आपको बताने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे जेईज कैरिज फ्रॉम ब्रिटेन स्कोर 5067 हेड्स इन 10,000 टॉस
ऑफ ए कॉइन, मींस एक कॉइन जो है उसे 10,000 टाइम उछाला जा रहा है। बच्चों क्या बताया जा रहा है कि एक कॉइन से, ठीक है, 10,000 कॉइन से उसे उछाला जा रहा है। द एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन दिस केस वॉज, कितना लिखा हुआ, 0.5067। मींस आप लोग क्या करोगे बेटा, 10,000 टाइम आपको टॉस उछालना है, जिसमें कहा जा रहा है कि 5,067 टाइम्स हेड्स आए, तो आप लोग उसके प्रोबेबिलिटी बताओगे कि ये है या फिर नहीं है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। बट हमें कैसे पता चलेगा, तो इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। आपको अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, क्या आना चाहिए आपको, हेड्स कितने टाइम्स आना चाहिए, द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन्स कम्स विल बी हेड्स। अब हेड आना चाहिए, ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे पी ए, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपकी। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब कितने आउटकम्स आ रहे हैं आपके, 5,067 टोटल आउटकम्स कितने आपके, 10,000। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वन मार्क्स का है। तो आप लोगों के नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 5,067 एंड टोटल आपके हैं 10,000, ठीक है। तो आप लोगों को भी पता होगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 5,067, देन यहाँ पे देखना कितने जीरो हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो 1, 2, 3, 4 डिजिट आफ्टर यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट्स। तो आप देख रहे हो बच्चों आपका जो आंसर है इससे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। दैट मीन्स आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या होगी बच्चों, ट्रू होगी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट ए बेबी इज बोर्न, एक बच्चे ने जन्म लिया है, रिजल्ट क्या होगा उसका, बच्चा लड़का भी हो सकता है या फिर लड़की भी हो सकती है। तो आप लोगों को भी पता है कि कोई भी बेबी जब जन्म लेता है, ठीक है, तो उसमें से चाहे लड़का भी हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है, वो तो ऑब्वियसली सही बात है। देन लिखा हुआ, देन द एक्सपेरिमेंट डज नॉट है इक्वली लाइकली आउटकम्स, लेकिन ये बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है भाई, जब आपको पता है एक बच्चा जन्म ले रहा है तो जरूरी थोड़ी वो लड़का ही हो, ठीक है, लड़की भी तो हो सकती है। दैट मींस ये आपकी स्टेटमेंट राइट थी, बट यहां पे इन्होंने कहा है कि ये राइट नहीं है। दैट मींस ये आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसपे हमें मैच द कॉलम्स लिखा है, मींस जो आपको कॉलम दी गई है उसमें आपको मैचिंग करनी है। तो देखिए बहुत इजी है, लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कोई भी जो इवेंट होती है सर्टेन मींस होती है जो 100% आपकी होगी, मींस पॉसिबल, जो आपकी कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो यहां पे मैच कर देंगे, आपका ये आंसर क्या आ जाएगा यहां पे, 1। ओके, सेकंड लिखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंपॉसिबल इवेंट, मींस ऐसी इवेंट, इस प्रकार की घटना कि जिसकी होने की संभावना इंपॉसिबल हो, मतलब नहीं हो, तो नहीं होगी तो कितनी होगी बच्चों, 0, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जहां पर आप लोगों को हेडिंग दी गई है सॉल्व द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट इज अ गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे इज 0.008। क्या लिखा हुआ बच्चों, कि 2 बच्चों का बर्थडे साथ में आए उसकी जो संभावना है आप लोगों की दी गई है 0.008। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, हमें ये बताना है कि यहाँ पर 2 बच्चों का जो बर्थडे है साथ में ना आए उसकी संभावना, मींस उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे आप लोगों, सबसे पहले यहां पर जिसकी संभावना है मींस जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, तो वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है, पी ए करके, ठीक है, पी ए मीन्स हम किसको लेंगे, जिसकी बर्थडे सेम होने की संभावना हो, तो यहां लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव
सेम बर्थडे, सेम बर्थडे। तो आप देखोगे जो बर्थडे होगा सेम वो कितना दिया आपका 0.008। क्लियर, क्या दिया है 0.008। नहीं लिखना है तो इसको मत लिखिए, चलिए कोई बात नहीं। अब हमें निकालना है पी ए बार, मीन्स इसका मीनिंग होता है जो संभावना होने की संभावना ना हो, तो लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स हैव सेम की जगह लिखेंगे नॉट, हैव नॉट सेम बर्थडे, बर्थडे। क्लियर, अब देखिए पीए हो गया जिसकी होने की संभावना हो, पीए बार हो गया जिसके होने की संभावना ना हो। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है पीए प्लस पीए बार इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे देखिए पीए आपको दिया हुआ है 0.008, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.008 प्लस, ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड करना है इज इक्वल टू वन। सो यहाँ पे आ जाएगा पी ए बार इज इक्वल टू वन, में से हम क्या करेंगे 0.008 को क्या कर देंगे माइनस, 0.008 को कर दिया आपने माइनस। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो देखिए वन में से अगर 0.008 माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ आप माइनस कर लीजिए अगर आपको नहीं आता हो तो। देखिए हम लिख देंगे यहाँ पे वन, ठीक है, माइनस कर दीजिए यहाँ पे 0.008, ठीक है, यहाँ पर भी आपका जीरो। तो देखिए जीरो में से एट गया, ठीक है, जीरो में से एट तो जाएगा नहीं, यहाँ से आप कैरी दोगे तो टेन हो जाएगा, टेन में से एट गया तो टू, बाकी के सारे डिजिट आपकी 99 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर देखिए क्या आ गया यहाँ पे 0.992, तो आंसर हो गया 0.992, जो आपका क्या निकला स्टूडेंट पी ए नॉट ए। तो हम बता सकते हैं कि दोनों की बर्थडे सेम ना होने की संभावना जो होगी वो आपकी होगी 0.992। इक्लिड एल्गोरिदम के मेथड से आपको एचसीएफ क्या करना है फाइंड करना है। ये आप लोगों को बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन और बहुत इजी भी है। चलिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 2 डिजिट प्रोवाइड की गई है, एक आपको दिया 135 एंड सेकेंड दिया आपको 225। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हाइएस्ट डिजिट है 225 को यहाँ पे राइट करना है, 225 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है आपको 135। क्लियर, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है, अब हमें क्या करना है 225, जैसे आप लोगों ने स्मॉल स्टैंडर्ड में डिवीजन देखा होगा, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते थे बेटा कि 225 आपको डिवाइड करना है 135 से। ठीक है, तो 135 के टेबल में 225 तो आएगा नहीं, बट वन टाइम में आपका आ जाएगा 135। क्लियर, तो देखिए 5 में से 5 गया देन 0, 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, 12 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा बच्चों 9, एंड 1 में से 1 गया तो 0। क्लियर, अब हमें क्या करना है, चलिए तो हमने क्या किया 135 को 1 से पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस जो रिमाइंडर आता है आपका लास्ट में उसे हमें लिखना है यहाँ पे। क्लियर, क्या करना है बच्चों, पहले डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर था उसे यहाँ लिखना है। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो डिजिट है उसको यहाँ लाना है 135। क्लियर, और यहाँ पे जो डिजिट है उसको यहाँ लाना है 19। अब फिर से देखना है, देखिए यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 135 और किससे टेबल से करना है 90 के टेबल में, तो देखिए 90 बन जा 90 कट हो गया आपका, तो देखिए 135 में से 90 गया तो आपका रिमेनिंग हुआ स्टूडेंट्स 45। तो अगेन टाइम हम क्या करेंगे 90 बन जा 91 प्लस जो रिमाइंडर बचा आपका कितना बचा 45। क्लियर हुआ इतना, अब ये 90 को यहाँ राइट करेंगे 90 इज इक्वल टू, और ये वाली डिजिट कहाँ आ जाएगी आपकी यहाँ पे। चलिए अब देखिए 45 के टेबल में 90 आता है बच्चों, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, देख लीजिए यहाँ पे कि 45 के टेबल में 2 टाइम्स में आपका कितना आता है 90। मींस आपका जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता जब तक आपको इससे क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए 45
टूजा हो गया एंड रिमाइंडर क्या बचा आपको जीरो। दैट मींस यहां तक आपका सॉल्यूशन हो गया है। लेकिन अब एचसीएफ क्या होगा? जीरो। नो, एचसीएफ जीरो नहीं होगा। एचसीएफ यहां की जो डिजिट होती है वही इसका क्या होता है? आंसर होता है। तो हम लिखेंगे द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। स्टूडेंट्स क्लियर? क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8 दिया हुआ है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है 5 कार्ड्स, बच्चों यहाँ पे आपको 5 कार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से आप लोगों को कहा है कि एक जो होगा वो 10 का होगा, मीन्स जिसपे 10 नंबर लिखा होता है। एक आपका होगा जैक का, एक होगा आपका क्यून का, एक किंग का एंड एस। एस मीन्स होता है इक्का, मीन्स आपको 5 कार्ड दिए जिसके ऊपर होगा 10 नंबर लिखा होगा, एक के ऊपर एक का ऊपर जैक लिखा होगा, एक के ऊपर क्यून, एक के ऊपर किंग एंड लास्ट में होगा एस, मीन्स होता है आपका इक्का। और डायमंड आर बेल सॉफ्ट विद देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज द पिक अप ए रैंडम। 5 कार्ड्स आपको दिए हैं, 5 कार्ड्स को आपको क्या करना है, उसमें से रैंडमली एक कार्ड पसंद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि इसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है। तो टोटल कार्ड जितने हैं उतनी आपकी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटीज हो गई। मींस टोटल प्रोबेबिलिटी 5, मींस 5 कार्ड्स हो गए। तो बच्चों फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज द क्यून, मींस 5 कार्ड में से कोई भी आप एक कार्ड लो, जो कार्ड कौन सा होना चाहिए बच्चों? क्यून का होना चाहिए। तो क्यून के कितने हैं आपके पास? 1 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5। डायरेक्टली समझ में आ गया। अब इसे लिखेंगे कैसे, देखिए। फर्स्ट इवेंट हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या लिखा बच्चों? द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड, यहां से पूरा जो क्वेश्चन है वही लिख देने का, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्यून, दैट कार्ड इज क्यून, ठीक है। क्या होना चाहिए बच्चों? क्यून का होना चाहिए, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लिख देना बच्चों, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो क्यून कितनी है आप लोगों की स्टूडेंट्स? 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। टोटल प्रोबेबिलिटी जो आपकी दी है बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है? 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5। क्लियर हुआ? सेकंड इसमें क्या पूछा गया है? इफ द क्यून इज ड्रोन, ड्रोन मींस होता बाहर निकाल दिया, क्यून को क्या कर दिया है? बाहर निकाल दिया एंड पुट असाइड, निकाल के हमने उसको बाजू में रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप एस। देखिए पहले आप लोगों की प्रोबेबिलिटी कितनी थी स्टूडेंट? 5 थी, क्योंकि कार्ड आपके पास 5 थे। लेकिन बाद में हुआ क्या कि उनको उन्होंने क्या कर दिया? बाहर निकाल के फेंक दिया। तो फेंक देंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। और 4 में से आपको कह रहा है कि एस का पत्ता हो, तो एस के भी कितने होंगे? 1, मींस आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। चलिए उसे भी कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे इफ, ठीक है, लिखेंगे आपको पहले तो सबसे पहले बताना है कि कार्ड में से एक कार्ड निकाल दिया, तो लिखेंगे इफ द क्यून इज ड्रॉन ड्रॉन एंड पुट असाइड, ठीक है, बाहर निकाल दिया, तो टोटल आपकी जो प्रोबेबिलिटी थी, टोटल प्रोबेबिलिटी जिसमें से आपका 1 कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, देखिए द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट कौन सा कार्ड आना चाहिए बेटा? पिक्ड अप इन एस, दैट कार्ड विल बी एस, ठीक है। फिर जैसे पी ए लिखा है उसके जगह हम लिखेंगे पी ए बी, मीन सेकेंड नंबर की इवेंट है आप लोगों की। फॉर्मूला वही आपका बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो ठीक है एस कितनी बार आपका आएगा? 1 टाइम्स, तो लिखेंगे 1। और टोटल इवेंट्स इसकी कितनी है? 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। इस प्रकार से आपका प्रोबेबिलिटी का सम सॉल्व हो गया है।
चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों को एक नंबर दी गई होगी, उसे आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट 3 + 2√7 इज अ इंडेशनल नंबर। हाँ, यहाँ पे आपको दे दी गई है कि ये नंबर जो है इंडेशनल है, बट हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो कोई भी चीज़ को अगर प्रूव करना है तो उसको अपोजिट सोच लीजिए, ठीक है। तो हम इसको सोच लेते हैं, सपोज 3 + 2√7 इज रेशनल, ठीक है बच्चों। इसे हमने सोच लिया है कि ये जो नंबर है ये आपकी क्या है, रेशनल है। देन 3 + 2√7, ठीक है, जो आप लोग इसको a अपॉन b के अपॉन में करोगे, देन जो आपका a एंड b है, ये कौन सा नंबर है बच्चों, तो ये को प्राइम इंटीजर से आप लोगों का, ठीक है, कौन सा नंबर है ये, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा बच्चों, देखिए अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 + 2√7 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो यहाँ पे जो 3 है ये आपका प्लस का है, तो उसे वहाँ ले जाइए, तो यहाँ पे आपका बचेगा 2 + √7 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, प्लस का है तो वहाँ गया, तो बच्चों माइनस का हो गया। तो देखिए 2√7 इज इक्वल टू बी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका 3b अपॉन में आपका आ जाएगा बी। क्लियर हुआ बच्चों। उसके बाद देखिए 7, अब आपको भी पता होगा कि कोई भी डिजिट अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में होती है तो वो कहाँ चली जाती है, डिवाइड के फॉर्म में। तो हम लिखेंगे a माइनस 3b, 2 नीचे जाएगा तो हो जाएगा आपका 2b। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो इंटीजर्स दिए, नंबर्स जो दिए गए, तो a माइनस 3b अपॉन 2b तो आपका रेशनल है, बट रूट में जो 7 है ये आपका क्या है बच्चों, इनरेशनल है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे देखिए, सो a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, हियर a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल, बट रूट 7 इज इनरेशनल। रूट में 7 क्या होगा बच्चों, आपका इनरेशनल होगा। सो आप लोगों ने जो सोचा है वो क्या है, अपोजिट है। सो लास्ट में हम बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो आपकी क्या है, इनरेशनल है। तो हम लिख सकते हैं, सो 3 + 2√7 इज इनरेशनल नंबर। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया आपको। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सम है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस जो है उसे वन टाइम आपको क्या किया जा रहा है, उछाला जा रहा है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसमें से कौन कौन सी संभावना मिलेगी वो आपको बताना है बच्चों। तो फर्स्ट लिखा है ए प्राइम नंबर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्राइम नंबर। चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटीज होती कितनी है। अब डाइस क्या होता है, जिसे हिंदी में पासा कहा जाता है। अब पासा कौन सा है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब जो पासा होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर वन टाइम उछला जाएगा तो उसके ऊपर ये वाले डिजिट मिलेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये उसकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। दैट मींस टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी इसकी स्टूडेंट, 6 हो जाएगी। क्लियर, तो अब हमें देखना है, या फिर यहाँ पे आप राइट कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 6, ठीक है। जो जो नंबर आएंगे वो हम आपको समझा दिए जाएंगे। जैसे उसमें फर्स्ट पूछेंगे प्राइम नंबर। अब बात होती है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर होते क्या हैं, जो 2 के टेबल में आते हो, तो 2 के टेबल में आते हैं 2, 4 एंड 6। तो लिखेंगे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट ए प्राइम नंबर
ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे लिख लीजिए ब्रैकेट में, अगर एक तो आपका 2 होगा, एक आपका 4 एंड एक आपका होगा 6, ये सब आपके कौन से होंगे प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो पहले होता है आपका नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए कितने नंबर आए, 2 आएगा, 4 आएगा एंड 6, तो 3 नंबर हो गए, 3 अपॉन 6 हो गया। अब देखिए 3 के टेबल में 3 वन जा 3 एंड 3 टू जा 6, दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो आपका आ जाएगा 1/2। क्लियर हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, जो नंबर हो 2 से लेके 6 के बीच में आता हो। देखिए तो सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी थी आपकी 6 थी 1 से लेके 6, तो उसके बीच में हमें 2 से लेके 6 के बीच में बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आप लोगों के टोटल प्रोबेबिलिटी के नंबर होते हैं आपको 2 से लेके 6 के बीच में। देखो 2 से लेकर, तो 2 से लेकर कहाँ तक, 3 आएगा, 4 आएगा एंड 5 आएगा, 6 के बीच में मतलब कितने नंबर आ गए आपके, 3 नंबर आ गए। तो देखिए लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी that a number lying between 2 and 6, कहाँ से आना चाहिए, 2 से लेके 6 के बीच में आना चाहिए, तो नंबर आप लिख देंगे यहाँ पे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो 2, 4, 6 लिखा ही था बच्चों, यहाँ पर कौन कौन से नंबर आए 2 से लेके 6 के बीच में, 3 आएगा, 4 आएगा एंड 5, तो यहाँ पे लिख दिए 3 नंबर आया, 4 नंबर आया एंड 5 नंबर आया। लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू, ठीक है फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो इसमें भी हो गया 3/6, क्योंकि 1, 2, 3 थ्री डिजिट आ गए, तो 3 वन जा 3 एंड 3 टू जा 6, दैट मीन्स इसका भी जो आंसर आपका आ गया 1/2। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया, पूरा हो गया है। तो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कन्वर्ट रेशनल नंबर, यहाँ पे आपको रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना है 1.325, देन उसके ऊपर बार का साइन है एंड इसे आपको पी अपन क्यू के फॉर्म में राइट करना है। देखिए बहुत इजी है, क्लास 9th में भी आपको आता है, स्टूडेंट्स क्लास 9th में आपको पॉलीनोमियल चैप्टर्स था उसके अंदर भी था, चैप्टर फर्स्ट था उसके अंदर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, लेकिन हम यहाँ पर भी आपको समझा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को जो दिया गया है बच्चों उसे हम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 1.325, यहाँ पर साइन किसकी है स्टूडेंट, बार की है, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो आप लोगों की डिजिट है 3, 2, 5, ये बार बार आपके क्या हो जाएगी बच्चों, रिपीट हो जाएगी 3, 2, 5, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डैश 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 और इसे हम लोग मान लेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, देखिए बहुत इजी है, यहाँ पे देखिए कितनी डिजिट के ऊपर स्टूडेंट्स बार है, 1, 2, 3 है ना, तो 3 डिजिट के ऊपर है, तो इसे हम किससे करेंगे 30 लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 1000 से करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, नाउ इक्वेशंस 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्यों 1000 से किया, बिकॉज यहाँ पे कितनी डिजिट के ऊपर बार है, तो देखिए इक्वेशन 1 हमारा था उससे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए x को 1000 से करेंगे तो क्या आएगा 1000x, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1325, ये आ जाएगा आप लोगों को बच्चों। समझ में आया कैसे आया बच्चों, देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, ठीक है अगर इक्वेशन 1 को करोगे तो बार बार आप पॉइंट लगा के फिर आप ये डिजिट लिख सकते हो, कौन सी देख लीजिए, ये डिजिट आपकी बार बार रिपीट हुई है, कौन सी 3, 2, 5, 3, 2, 5 डैश डैश डैश, इसे हम मान लेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का यूजिंग करना है, कैसे करना है देखो, नाउ इक्वेशन, नाउ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करना है, तो देखिए पहले जो इक्वेशन 2 यहां लिखेंगे 1000x इज इक्वल टू
1325.325.325। क्लियर हुआ बच्चों? उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन वन क्या है आपकी, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दिया बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे वन और वहाँ पर हम लिखेंगे 325325 और यहाँ पे कोई नंबर आपकी नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए 1000x में से 1x आएगा तो आपका कितना बचेगा 99x इज इक्वल टू, देखिए इतनी सारी डिजिट में से इतनी सारी डिजिट में 5 में से 5 गया, 0 मीन्स सारी डिजिट में क्या आ जाएगा आपका 00 आ जाएगा। देखिए हाँ, अब 5 में से 1 गया तो आपका क्या बचेगा बच्चों 4 और ये डिजिट तो सेम ही हो जाएगी 2, 3 एंड 1। तो आप देख रहे हो आपकी डिजिट आई 1, 3, 2, 4। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, 1, 3, 2, 4 एंड अपॉन में आपका आ जाएगा 999। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी स्टूडेंट्स पूरा हो गया है। जो दिया गया है लिखा हुआ है ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिशेस विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। स्टूडेंट्स एक बॉक्स में 1 से लेकर 90 तक डिशेस यानी नंबर्स डाल दिए गए हैं। इफ वन डिशेस एक डिश निकाल दी जा रही है ए ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से एक जो पर्ची है डिशेस है वो आपको निकाल दी जा रही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी की संभावना क्या करनी है बच्चों बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पता होना चाहिए कि टोटल प्रोबेबिलिटीज कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, ओके बच्चों। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी दी है बच्चों, यहाँ पे देखिए तो 90 दी गई है, क्लियर है ना आपको। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टू डिजिट नंबर, बच्चों आपको पता होगा टू डिजिट नंबर जो होगा कहाँ से स्टार्ट होगा तो 10 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ तक होगा तो 90 तक होगा, मीन्स 10 से लेकर 90 के बीच में कितनी नंबर्स आती है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट ए टू डिजिट नंबर, ए टू डिजिट नंबर। अब टू डिजिट के नंबर कहाँ से आएंगे बच्चों, तो देखिए 10 से स्टार्ट होंगे और चलते चलते आपके कहाँ तक आएंगे 90 तक आएंगे। तो सिंपल बेस में आप काउंट कर सकते हो, 90 में से 10 माइनस करोगे उसमें 1 क्या करोगे प्लस करोगे, देखो 90 में से 10 गया 80, 80 में 1 प्लस करोगे, क्यों करोगे, बिकॉज आपका स्टार्ट कहाँ से होता है 9 के बाद 10 से होता है, तो 10 नंबर को भी आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दीजिएगा बच्चों नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, लिख देता हूं चलो बेटा, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो देखिए आपके कितने आउटकम्स आए बच्चों 81, टोटल प्रोबेबिलिटीज कितनी है आपकी 90। तो देखिए 9 के टेबल में 90 आता है 10 टाइम्स में और 81 आता है 9 टाइम्स में, तो आपका आंसर आया 9/10। इसको भी आप चाहो तो पॉइंट में कन्वर्ट करके लिख सकते हो 0.90। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद सेकंड आपका पूछा गया ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 90 तक आपको स्क्वायर नंबर हो जिसे बताना है, जिसे आप जानते हो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, दैट मीन्स आप 9 तक देखोगे तो 81 आएगा, बट आप 10 का करते हो तो 100 होगा, तो 100 क्या हो जाएगा 90 से अप हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पहले द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट, देखिए ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए कौन कौन से नंबर आएंगे बेटा, एक तो 1 का वर्ग हो जाएगा स्क्वायर, 2 का हम कर सकते हैं ठीक है, फिर आप 3 का कर सकते हो, उसके बाद आप 4 का कर सकते हो, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का, बट 9 के बाद आप कर सकते हैं नहीं हो, बिकॉज 9 के बाद करोगे तो 10 आ जाएगा। तो आप नंबर देखो कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही लिखेगा ठीक है, तो टोटल आपका है 9/90, तो 9 बन जा 9, 9 की टेबल में 90 आता है 10 टाइम्स में, तो इसकी आ गया 1/10, तो इसको भी कट करेंगे तो आपका आएगा 0.10।
क्लियर हुआ बच्चों? एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी आपको बोली गई है, ए नंबर डिविजल बाय 5, मींस वो 5 से डिविजल होना चाहिए, जैसे 5, 10, 15, 90 तक जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर, ए नंबर डिविजल, ठीक है, ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से कौन कौन से नंबर डिविजल होंगे आपको पता होगा, एक 5 आएगा, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। इतने सारे नंबर 5 से डिविजल होंगे, आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो बच्चों कितने नंबर आए, 18। तो लिखेंगे पीसी इज इक्वल टू 18 अपॉन 90। अब देखिए 18 की टेबल में 18 बन जाए 18 और 18 फाइव जा 90, तो इसका आंसर आ गया 1/5। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका पूरा हो गया है। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद आप लोगों का पेपर सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको पेपर जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर पेपर समझ में आ रहा हो तो पेपर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों ने ये सॉल्व नहीं किया हो वो इजीली समझ सके और इसे सॉल्व कर सके। चलिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट। हमें क्या करना है बताना है, ये नंबर भी कंपोजिट है और ये नंबर भी कंपोजिट है। कैसे कंपोजिट है वो हमें यहाँ पे क्या करना है बताना है। सबसे पहले हम लोग ये नंबर लिखेंगे बच्चों, ठीक है, सॉल्व करेंगे ये नंबर करके। लिखा है 7 × 11 × 13 + 13, ये नंबर आपको दी गई है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कौन सी नंबर आपको अगेन टाइम यानी बार बार मिल रही है। तो 13 नंबर जो है आपको 2 times मिल रही है, तो 13 को मैं क्या करूँगा बच्चों, कॉमन ले लूँगा, ठीक है, कॉमन ले लूँगा। तो देखो क्या बचेगा आपको, यहाँ से आपको बचा 7, ठीक है बच्चों, क्या बचा 7, उसके बाद क्या है आपका मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है आपका प्लस, एंड 13 के टेल में 13 आपका कितने टाइम्स में आएगा बच्चों, 1 times में आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए फिर हम लिख सकते हैं 13। अब देखिए 7 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा बच्चों, 11 से करूँगा, तो 7 × 11 = 77, ठीक है, प्लस 1। तो देखिए 13 × 77 + 1 तो क्या हो गया आपका 78 हो गया, ठीक है। अब दोनों को हम प्लस करेंगे तो देख लेंगे, अब यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ पर 78 हो चुका है बच्चों। तो आप चाहो तो 78 के क्या कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो, ठीक है। 78 के अगर फैक्टर करोगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए लिखेंगे हम लोग 2 × 3 × 13, ये आप लोगों के क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 13 ऑलरेडी फैक्टर में है, ठीक है, 78 का भी कर दीजिए फैक्टर, 2 × 3 × 13। तो यहाँ पे देखिए 13 कितने टाइम्स आ गया, 2 times आ गया। तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे 2 × 3 और 13 की पावर कितनी कर सकते हैं हम लोग, 2, जिससे हम बता सकते हैं कि ये नंबर क्या आएंगे हमारे, कंपोजिट नंबर है। लिखेंगे थस, ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, थस क्वेश्चन जो है 7 × 11 × 13 + 13, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इस फॉर्म में, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस। इसको कौन से फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर लिया बच्चों, तो हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में क्या कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है, एक्सप्रेस एस, ठीक है, ए प्रोडक्ट प्राइम्स, प्रोडक्ट प्राइम्स में हमने इसको क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। सो क्वेश्चन क्या आपका बेटा, 7 × 13, ठीक है, या फिर 7 × 11 × 13 + 13 इज
कंपोजिट नंबर, कौन सा नंबर है बेटा, कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे प्रूफ करेंगे, ठीक है, इससे भी प्रूफ करके बता देते हैं बच्चों। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, देखिए ज़्यादा लेंदी में नहीं लिखना, छोटा छोटा लिख दूंगा आपको। यहाँ लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये नंबर आपको दिए गए हैं बच्चों। तो आप देख रहे हो इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, 5 आ रहा है, तो 5 को लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद के जो नंबर है उसमें आप क्या कर दीजिए, प्लस करते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है। लिखा 7 × 6 × 4 × 3 × 2। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, लास्ट में 2 के बाद मल्टीप्लाई क्या है, 1, एंड 5 की टाइम 5 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1008 + 1, तो 5 1008 को 1 से प्लस किया तो आपका आएगा 1009। यहाँ पे हमने देख लिया 5 ब्रैकेट में आ गया 1009। तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, देखिए बेटा लिखेंगे थस, ठीक है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 1 + 5 can be express a product primes. So 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 1 + 5 is composite number. तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोगों का वीडियो फिनिश हो चुका है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो शूट किया है, लगभग 5 आवर्स मुझे वीडियो शूट करने में चला गया है। तो आपकी डिमांड से मैंने ये टॉपिक को पूरा किया है और अब आप लोगों का ये काम है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक मैं पहुँचा सकूँ।